नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, आज मेरे पास जो न्यूज़ है वो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट, मैं आपको जो न्यूज़ देता हूँ आप उन पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हो। मैं जो कुछ देता हूँ वो कोई फेक न्यूज़ नहीं होती है, उसको कहीं से बहुत अच्छी तरह से मैंने खुद चेक कर लेता हूँ कि वो फेक न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी मीडिया है, व्हाट्सएप वगैरह है, उस पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है, उन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ उसमें कहीं पर भी गलती होने की संभावना बहुत कम है। आज का न्यूज़ आपके लिए यह है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट CBSE ने डिक्लेयर कर दी है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 8 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। इस साल, पिछले साल भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट होते थे और फरवरी तक ही चलते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात प्रैक्टिकल की होगी। रही बात आपके बोर्ड एग्ज़ाम की, जो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट क्या होंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप मेंटली तैयार रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके जो रेगुलर टाइम से मार्च में ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि अब मई में या जून में होंगे, उसकी संभावना CBSE की तरफ से बहुत कम है, क्यों प्रैक्टिकल है तो राइट टाइम ले रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में मैं समझता हूँ वो राइट टाइम लेंगे। ऐसा जो CBSE के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात है कि आपके प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वर भी इस साल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हर स्कूल में एक ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर एक प्रिंसिपल होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर अलग होता है और ऑब्जर्वर अलग होते हैं। आपके प्रैक्टिकल में इंटरनल एग्जामिनर होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे और ऑब्जर्वर होंगे। प्रैक्टिकल की रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो रिकॉर्डिंग का फोटो या रिकॉर्डिंग जो है वो CBSE की साइट पर अपलोड की जाएगी और आपके मार्क्स भी CBSE की साइट पर ही अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अब तैयार रहें। आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होगी। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस नहीं करी है या अब स्कूल नहीं गए हैं, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करें कि वो कैसे प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। और क्योंकि 9th से 12th क्लास के लिए स्टूडेंट जो स्कूल हैं अधिकतर जगह खोल दिए गए हैं, तो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करें और वहाँ जाके आप अपने प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्कूल ही जाना होगा, मैं समझता हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से अब कॉन्टैक्ट बना लें, उनसे मंडे को आप बात कर लें कि आप प्रैक्टिकल कैसे कराओगे। जो भी आपके सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल है वो केवल इंटरनल पे डिपेंड करेगा, उसका एक्सटर्नल नहीं आएगा, ठीक है। 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल 20 नंबर का है वो इंटरनल पे डिपेंड करेगा, जो इंटरनल आपके जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वही आपका प्रैक्टिकल लेंगे। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स और जो अदर सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं, जिनमें एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, वो CBSE अपॉइंटमेंट देगा, साथ में ऑब्जर्वर भी नियुक्त करेगा, ठीक है ना। मेरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।